यार पौने एक हो रहे हैं और रश देखो कितना है। कहाँ है हम? वेलकम टू हुसैनाबाद। अबे दोबारा कर, मेरे मुंह पे लग। हाँ तो भाई हुसैनाबाद हम लोग आ गए और ये लोग जो है वो पहले भी हुसैनाबाद आए हैं लेकिन इन्होंने डिटेल जो है वो हुसैनाबाद को एक्सप्लोर नहीं किया है। क्योंकि मैं करीब में ही रहता हूँ तो मुझे हुसैनाबाद का काफ़ी डिटेल में पता है कि यहाँ पे सिर्फ खाने की चीज़ें नहीं हैं, और भी हैं, जैसे पान है, प्रोटीन शेक है, खाउसे जो कि है खाने का आइटम लेकिन इतना कॉमन नहीं है। तो इनको ज़रा डिटेल में जो है वो हुसैनाबाद की सैर करवाते और फिर एंड में इनसे पूछूँगा मैं कि इनको कैसा लगा। सही है, चलते हैं। हाँ भाई बजाज, ये जो तुम आइसक्रीम वाला देख रहे हो ना, ये जो तुम आइसक्रीम वाला देख रहे हो ना, यहाँ पे फ्री में नहीं मिल रही आइसक्रीम, पैसों से मिलती है, लेकिन देखो देखो कितना। कहाँ लेके जा रहा है, क्या खिलाने लेके जा रहा है? मैं चल तो सही, जबरदस्त एक चीज खिलाता हूँ मुझे। नहीं यार अभी नहीं, पहले कुछ और पहले कुछ ट्राई कर लेता कुछ और, हाँ उसके बाद लगा रही तो बिल्कुल। हाँ भाई भैया तुम भी ये थक गए हो चलते चलते? अरे समीर भाई अभी कहाँ थके रहे, अभी तो चल रहे हैं, अभी चलते रहो। अभी तो ये जो स्ट्रीट है ना, ये बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट है यार, कहीं और चले, अच्छी तो लगती है। वैसे एक चीज है मेरे माइंड में तुम लोगों को खिलाने के लिए, लेकिन तुम लोगों से पूछ रहा हूँ मैं कि तुम लोग क्या खाओगे। पहले काम करते हैं, शावरमा ट्राई करते हैं। शावरमा पहले, शावरमा हम लोग आ गए। सही है, तुम लोगों की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक शावरमा। शावरमा तो भाई आ गया शावरमा, अब बनवाओ। कौन सा तुम लोग बोल रहे हैं? बहुत सारे इनके जो है वो क्या बोलेंगे, कैटेगरी बनी हुई है, रेगुलर शावरमा, जम्बो शावरमा, जैसे कि आप देख सकते हैं, स्पेशल चीज़ शावरमा, जम्बो स्पेशल चीज़ शावरमा और बहुत सारे हैं। तो कौन सा खाओगे बताओ, कौन सा खाओगे भाई? मुझे सबसे स्पेशल वाला बनवा लो इनका। यार आप एक काम करो, सबसे स्पेशल वाला आपका बनवा। सबसे अच्छा शावरमा कौन सा है यार आप? अल्हम्दुलिल्लाह सभी अच्छे हैं माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा जो चलता है, चलता है चीज़ वाले चलते हैं। बना दो आप चीज़ वाला, हमको पहले बना। सबसे अच्छा अपने मैंने बोला था यार वेट करो थोड़ा सा, तुम लोगों को इतना चला के अच्छी चीज खिलाऊंगा। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसको जो है वो गंदगी से खाना पड़ता है। वो सभी हमारी वीडियो बना रहा था, कैमरा जो है वो मैंने अपने हाथ में ले लिया और अपना बनाऊंगा सभी को।
यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तुक्का लगाया था कि अच्छा होगा, खाया तो मैंने भी कभी नहीं था, लेकिन वाकई में अच्छा, बहुत अच्छा। आप ये चेक करें कि भर भर के उबल उबल के निकल लिए चिकन उसमें। हाँ तो भाई कबाब, पराठे, टिक्के और फ्राइड आइटम्स तो खाते ही रहते हैं हम लोग, तो मैंने सोचा कि यार इन लोगों को शौरमा खिला दें, और खिलाया और इन लोगों को भी बहुत पसंद आया, और मैंने भी पहले नहीं खाया था, सिर्फ सुना था उसके बारे में, लेकिन ये वाकई में बहुत अच्छा है। तो शौरमा खा के तो यार बहुत मज़ा आया, लेकिन पेट में अभी भी जगह खाली है। हम सोच रहे हैं हम कुछ और भी यहाँ पे ट्राई करें। मजाहत भाई से बोलते हो यार, देखिए क्या प्लान है आपका। मेरा प्लान तो है कि आप घर चला जाए, लिमका टेस्ट कर लेते, लिमका टेस्ट आगे सब मजा हो जाए, उसके बाद फिर दोबारा फरमाइश करोगे तुम कुछ ना कुछ खाने की। चलो काम करते हैं, लिमका देखते हैं, अगर लिमका मिल गया तो लिमका भी ट्राई करते हैं। हाँ तो भाई शौरमा हम लोगों ने खा लिया, और यहाँ से खाया शौरमा, चिकन शौरमा। शौरमा कैसा लगा था भाई? यार बहुत मजे का, बहुत टेस्टी, और मुझे तो बहुत भूख लग रही है, बहुत ज़बरदस्त। हमें भाई कुछ और चीज़, लिमका भी है यहाँ पे, लेकिन अगर तुम्हें भूख लग रही है तो हम और भी बहुत कुछ खा सकते हैं। नहीं बस अब लिमका और कुछ नहीं फिलहाल, ठीक है? चलो भाई चलते हैं। ज़्यादा अच्छा होता है यार, तुम्हारा जो दिल कर रहा है वो। मैं तो फेवर में हूँ कि तुम ब्लूबेरी बिल्कुल सादा वाला पियो, उसका मज़ा ही आ रहा है। मान लिया अगर तुम्हें कोई और ट्राई करते तो ड्रॉप कर दिया जाए। ज़्यादा अच्छा हो, लेमन भी मजे का यार, लेमन भी अच्छा है, लेमन ज़्यादा अच्छा है। रोज कितने हो गए? सस्ता और टिकाऊ का एक लिम्का, बेहतरीन जबरदस्त है यार। भाई लिमका भी पी लिया, शौरमा भी खा लिया, अब जो है वो खाने के बाद की कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि पान वान, अब वो ट्राई करते हैं। चलो दोस्तों, हम खड़े हैं आज हुसैनाबाद में, हुसैनाबाद की एक बड़ी मशहूर पान शॉप है जिसका नाम है तवक्कुल पान शॉप, और ये है हमारे दोस्त फैजान भाई। फैजान भाई साहब उनकी इस शॉप से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, जानेंगे उनके काम से मुताल्लिक, और जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे इन्होंने बड़ी ही मतलब क्या बोलेंगे बहुत तरतीब के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस जो है वो लगाए हुए हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने लगाए हुए हैं, तो उसके मुताबिक उनसे भी बातें करते हैं। मुझे तो चार महीने हुए हैं, इससे पहले बैनोई होते थे, हमारे ऑनर आजी नासिर भाई है, बैनोई असलम भाई हैं, तो वो चला रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिमाग में आता गया और वो बनाते गए हर चीज़ के मसाले, तो तब से ही सत्ता वहाँ आ रहे हैं। मैं तो पहले करता था पान का तकरीबन 7-8 साल पहले, लेकिन दोबारा 5-6 महीने हुए हैं जब स्टार्ट किया है,
वो करते हुए आ रहे हैं। दुकान 15-20 साल पुरानी है और अलहमदिल्ला बहुत अच्छा पान है हमारे पास। हमारे पास फ्लेवर है, फ्लेवर पे स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, चॉकलेट हो गया, ब्लूबेरी, पीच, पाकोला, यानी कि 8-10 और फ्लेवर है हमारे पास मीठे पान के अंदर। और मीठे पान के अंदर क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी है। जो मसाले डलते हैं ना उसके अलग अलग टुकड़े करके उसी के हम मसाले अलग अलग बनाते हैं। जो पान में हिस्सा डलता है वही मसाले बनते हैं, कोई अलग चीज नहीं होती है, टोटल पान की चीज है। चले अब हम जो है वो फैजान भाई से हमने कर ली है बातें, अब हम टेस्ट करेंगे फैजान भाई का एक पान। चले आए एक आया सब बना के खिलाते हैं। हाँ तो भाई हुसैनाबाद घूम लिया तुम लोगों ने, शौरमा भी खा लिया, लिमका भी पी ली, पान भी खा लिया, कैसा लगा? यार बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। मैं तो खैर फर्स्ट टाइम हुसैनाबाद आया हूँ, लेकिन यहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड है और बहुत रश हो रहा है आज, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। यार चीज़ें तो वैसे बहुत सारी हैं, इसके अलावा भी चाट भी यहाँ पे मशहूर है, हाउसा भी मशहूर है, और भी बहुत सारी चीज़ें मशहूर है, कराची हलीम भी है यहाँ पे। लेकिन अभी तुम लोगों क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, इसलिए जो तुम लोगों को खाना था डाइट सब कुछ वो हमने खा लिया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, फिर भी ट्राई करें। हाँ भाई फैजान भाई, देसी बिजनेस को भजन लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, वेलकम।